बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थरथर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता, और इसी प्रकार शेर अपना जीवन बड़े मज़े से जी रहा था। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी भी जानवर को मारकर खा लेता। सारे जानवर उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उससे डरते भी थे। एक दिन वह शिकार पर निकला और उसकी हाथी के साथ भिड़ंत हुई, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया और अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी वह भोजन की तलाश में अगले दिन पूरे जंगल में भटकता रहा, किंतु उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतज़ार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा उसे मारकर अपनी भूख मिटा लेगा। ये सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक लोमड़ी की थी जो दोपहर में बाहर गई थी। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रही थी तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गई। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। जब भी मैं बाहर से आती हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? ऐसा क्या हुआ है? और अगर तुमने नहीं बुलाया तो मैं वापस चली जाऊँगी। यह सुनकर अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है ये गुफा रोज़ आवाज़ लगाकर इस लोमड़ी को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरी प्रिय मित्र लोमड़ी, अंदर आ जाओ। इस आवाज़ को सुनते ही लोमड़ी को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेज़ी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई और शेर भूखा ही रह गया। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है।